हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। इस टाइप के लिरिक्स वीडियो इंस्टाग्राम पे काफ़ी ट्रेंड चल रहे हैं। अलाइट मोशन ऐप को ओपन करते हैं, जैसे ही ऐप को ओपन करते हैं इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलता है। प्लस पर टैप करना है, यहाँ से वीडियो रेशो सेलेक्ट करके क्रिएट प्रोजेक्ट पर टैप करना है। वीडियो फॉर्मेट से सॉन्ग यूज करने के लिए प्लस पर टैप करना है। मीडिया में टैप करना है, यहाँ से वीडियो को सिलेक्ट करना है। वीडियो लेयर सेलेक्ट करना है, थ्री डॉट पे टैप करके यहाँ से ऑडियो पे टैप करना है। वीडियो को डिलीट कर देना है, प्लस पे टैप करके मीडिया में टैप करना है। यहाँ से फ़ोटो को सिलेक्ट करना है जिस पर वीडियो एडिट करना चाहते हैं। फ़ोटो लेयर सेलेक्ट करना है, लास्ट में आना है, इस पर टैप करना है। फ़ोटो लेयर सेलेक्ट करके मूव पर टैप करना है, यहाँ से इसके साइज़ को बढ़ा सकते हैं, यहाँ से फ़ोटो को एडजस्ट कर सकते हैं। फ़ोटो लेयर में इफ़ेक्ट ऐड करने हैं, लेयर सेलेक्ट करना है, इफेक्ट पर टैप करके इस पर टैप करना है। कलर एंड लाइट सेलेक्ट करना है, नीचे की साइड आना है, यहाँ से इस इफेक्ट को सेलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है। यहाँ से प्लस 30 रखना है, इसे सेलेक्ट करना है, 1.25 रखना है, बैक आना है, एक और इफेक्ट ऐड करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, इस पर टैप करके यहाँ से इस इफेक्ट को सिलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है, ओपन करना है, साइज सेलेक्ट करके यहाँ से इसे थोड़ा कम कर देना है, राउंडनेस सेलेक्ट करके 95 रखना है, बैक आना है, एक और लास्ट इफेक्ट ऐड करना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म सेलेक्ट करना है। यहाँ से इस इफेक्ट को सेलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है, ओपन करना है, एंगल सेलेक्ट करके 90 रखना है, इसे सेलेक्ट करके 0.25 रखना है, लास्ट में आना है, मैग्नीट्यूड सेलेक्ट करके रखना है, 25 रखना है, बैक आना है, क्राउन इमोजी ऐड करने के लिए यहाँ से टेक्स्ट पे टैप करना है। यहाँ पे इमोजी टाइप कर सकते हैं, यहाँ से कलर सेलेक्ट करना है, इस पर टैप करके यहाँ से नीचे की साइड कर देना है, लाइन पे टैप करके सेंटर में रखना है, इस पर टैप करके यहाँ से iOS फॉन्ट सेलेक्ट करना है। देखो गाइस, जो भी फॉन्ट फोटो इस वीडियो में यूज किए जाएंगे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, यहाँ से इसके साइज को कम कर देना है, टिक कर देना है, लेयर सेलेक्ट करना है, लास्ट में आना है, इस पर टैप करना है, लेयर सेलेक्ट करना है, यहाँ से इसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं, बैक आना है, इमोजी लेयर सेलेक्ट करना है, शैडो पर टैप करना है, यहाँ से शैडो इनेबल करके साइज पर टैप करके 25 रखना है। इंस्टाग्राम आईडी नेम लिखने के लिए प्लस पर टैप करना है, टेक्स्ट पर टैप करके यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं, यहाँ से वाइट कलर सेलेक्ट करना है, लाइन पर टैप करके सेंटर में रखना है। फॉन्ट ऐड करने के लिए यहाँ से इस फॉन्ट को सिलेक्ट करना है, फॉन्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, 18 बिट पे टैप करके यहाँ से इसके साइज को कम कर देना है, टिक कर देना है, लेयर सेलेक्ट करना है, लास्ट में आना है, इस पर टैप करना है, लेयर सेलेक्ट करना है, यहाँ से इसकी पोजीशन सेट कर देना है, लेयर सेलेक्ट करना है, यहाँ से शैडो इनेबल कर देना है, साइज पर टैप करके 30 रखना है, बैक आना है, टेक्स्ट लेयर सेलेक्ट करना है, इफेक्ट पर टैप करना है, ऐड इफेक्ट पर टैप करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, टेक्स्ट पर टैप करके यहाँ से टेक्स्ट स्पेसिंग इफेक्ट सेलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है, यहाँ से लेटर सेलेक्ट करके 25 रखना है। लिरिक्स लिखने के लिए यहाँ से टेक्स्ट पर टैप करना है, यहाँ पे लिरिक्स लिख सकते हैं, यहाँ से वाइट कलर सेलेक्ट करना है, लाइन पर टैप करके सेंटर में रखना है,
जैसे ही एम ई सर्च करते हैं यहाँ पे आपको फॉन्ट देखने को मिल जाएगा। इस फॉन्ट को सिलेक्ट करना है। ये फॉन्ट आपको अलाइट मोशन में मिल जाएगा। यहाँ से इसके साइज को बढ़ा देना है, टिक कर देना है। बैक आना है, लेयर सेलेक्ट करना है, शैडो पर टैप करके यहाँ से इसके शैडो को इनेबल कर देना है। बैक आना है, लिरिक्स लेयर में इफेक्ट ऐड करने के लिए लेयर सेलेक्ट करना है, इफेक्ट पर टैप करके ऐड इफेक्ट पर टैप करना है। लास्ट में आना है, यहाँ से टेक्स्ट सेलेक्ट करके टेक्स्ट स्पेसिंग इफेक्ट सेलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है, लेटर सेलेक्ट करके रखना है, स्टार्टिंग में आना है, स्टार्टिंग में प्लस देना है, एंड में आना है, एंड में प्लस देना है, सेंटर में प्लस देना है, स्टार्टिंग में आना है, स्टार्टिंग में 24 रखना है, सेंटर में आना है, सेंटर में 0 रखना है, एंड में आना है, एंड में प्लस 24 रखना है, स्टार्टिंग में आना है, स्टार्टिंग के सेंटर में आना है, कर्व पे टिक करके यहाँ से इसे ऐसे कर देना है, थ्री डॉट पे टैप करना है, कॉपी कर्व करके एंड के सेंटर में आना है, थ्री डॉट पे टैप करके पेस्ट कर्व कर देना है, एरो पे टैप करके बैक आना है। एक और लास्ट इफेक्ट ऐड करना है, ऐड इफेक्ट पर टैप करना है, नीचे की साइड आना है, यहाँ से इसे सेलेक्ट करके फेड इन आउट इफेक्ट सेलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है। सॉन्ग को प्ले करके देख लेना है, देन लिरिक्स के अकॉर्डिंग मार्क करना है, लेयर पर टैप करके टाइमर से इसकी ड्यूरेशन कम ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट लिरिक्स लिखने के लिए लेयर सेलेक्ट करना है, प्लस पर टैप करके डुप्लीकेट लेयर पर टैप करना है, कॉपी लेयर पर टैप करना है, होल्ड करके आगे की साइड कर देना है, लिरिक्स के अकॉर्डिंग कॉपी लेयर सेलेक्ट करना है, एडिट टेक्स्ट पर टैप करके यहाँ पे नेक्स्ट लिरिक्स लिख सकते हैं, टिक कर देना है, लिरिक्स के अकॉर्डिंग मार्क करना है, लेयर पर टैप करना है, टाइमर से इसकी ड्यूरेशन कम ज़्यादा कर सकते हैं। वीडियो को सेव करने के लिए एरो पर टैप करना है, एक्सपोर्ट कर देना है।